ठीक है, अब डेविस एंड मूर की थ्योरी क्या कहती है स्ट्राटिफिकेशन की, समाज में स्ट्रेटा क्यों एग्जिस्ट करते हैं। 2016 में 20 मार्कर क्वेश्चन है इस पे, बहुत ही आसान सवाल, लो हैंगिंग फ्रूट, आप सब भी फ्रूट का फ़ायदा उठाओ। ओके, डेविस एंड मूर की थ्योरी में आपको अगर बिल्कुल एक आसान शब्दों में समझाऊं, काफ़ी टेलकट पार्सन्स की थ्योरी जैसी थ्योरी है, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, आप अगर वो कीवर्ड्स वहाँ ड्रॉप करते रहो आपकी थ्योरी आप वहाँ प्रूव करना शुरू कर देते हो क्या। ये पहले तो सबसे पहले बात क्या करेंगी, समाज में कहते हैं कि सोसाइटी ने क्या कहा कि सोसाइटी को पता है कि कुछ पोजीशंस बाकी पोजीशंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। ओके, वो कहते हैं उसके बाद लेकिन ये इंपॉर्टेंट पोजीशंस के लिए क्या रिक्वायर्ड है, टैलेंट, और ठीक है टैलेंट रिक्वायर्ड है, एंड ये मानते हैं कि जो टैलेंट है टैलेंट बहुत स्कार्स है, समाज में टैलेंट की कमी है, इसलिए अगर आपको ये इंपॉर्टेंट पोजीशंस के लिए टैलेंट अगर आपको अट्रैक्ट करना है जो कि बहुत ही कम है समाज में, तो आपको इन इम्पॉर्टेंट पोजीशंस को हायर स्टेटा में रखना पड़ेगा, ठीक है जी। क्योंकि इस अगर इवन इन केस कहते अगर आपने मान लो टैलेंट को हायर पोजीशन या हायर स्टेटा नहीं प्रोवाइड किया, तो ये जो स्कार्स टैलेंट है जो ये इंपॉर्टेंट पोजिशन के लिए आना था ये नहीं आएगा, इट विल नॉट बी मोटिवेटेड इनफ कि मैं इतनी मेहनत करूँ, इतना आप एफर्ट लगाओ आपको कोई रिवॉर्ड तो मिलेगा नहीं, इसलिए कहते समाज इंपॉर्टेंट पोजिशन को ऊपर रखता है। इसका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, सब कुछ कंप्लीट थ्योरी करेंगे विद इन स्पैन ऑफ लेस देन 10 मिनट्स, ठीक है शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिस, ये क्या बोलते हैं कि क्या बेसिस है हमारी थ्योरी का, इन्होंने पहले आर्टिकल पब्लिश किया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में 25,000 बार पूछी जा चुकी है, आप इसके बारे में नई नई बातें जो भी मेरे याद करते रहो। इनके आर्टिकल का नाम क्या था, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, उसमें इन्होंने डिस्कस किया इसके बारे में, ठीक है। आगे इन्होंने बोला कि डिफरेंट दे एक्सटेंडेड दैट डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवार्ड्स, कि जो समाज में डिफरेंशियली जो समाज को में जो आपने रिवॉर्ड अलग अलग दिए किसी को ज़्यादा किसी को कम, कहते उससे वो डिफरेंट पोजीशंस के साथ अटैच्ड है, एंड कहते जो समाज में जो डिफरेंट पोजीशंस हैं उनके साथ डिफरेंशियल अवार्ड्स अटैच्ड हैं, एंड कोई भी सोसाइटी इस कारण से अनस्ट्रेटिफाइड नहीं रह पाती, क्योंकि कहते हर एक सोसाइटी में डिफरेंट अवार्ड देने के लिए डिफरेंट पोजीशंस बनी हुई हैं या डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट अवार्ड्स हैं, ठीक है जी, इससे सोसाइटी में स्ट्रेटा होगा ही होगा। आगे अब यहाँ पर चीज़, अब ये पूरी थ्योरी यहाँ पे एक 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 ऑलमोस्ट एक फ्लो चार्ट ही बनाया है कि थ्योरी कैसे चलती है। वो बोलते हैं सोसाइटी इज मेड अप ऑफ पोजीशंस, कहते सोसाइटी इज नथिंग बट पोजीशंस, कोई हायर पोजीशन कोई लोअर पोजीशन, कहते कैसे डिसाइड करें कौन सी हायर कौन सी लोअर। आगे देखते हैं कि सम आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, आगे बोलते हैं पोजीशन विद हाई इंपॉर्टेंस अट्रैक्ट्स हाई रिवॉर्ड, ठीक है जी, हाई इंपॉर्टेंस वाली पोजीशन को हाई रिवॉर्ड, बात करी अभी तक हमने, आगे बढ़ते हैं। एंड देन वो कह रहे हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट टैलेंटेड पीपल, टैलेंट विच इज स्कार्स इन सोसाइटी, अगर आपको ये जो कम जो बहुत ही जो चुनिंदा कुछ लोग हैं इनको बुलाना है आपको इनको ज़्यादा पैसे रिवॉर्ड देने पड़ेंगे। आगे क्या लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट पोजिशन रिक्वायर स्किल्स एंड ट्रेनिंग, जो जितनी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पोजिशन उतनी स्किल्स और उतनी ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। कहते हैं अब ये स्किल और ट्रेनिंग के लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, जैसे आप सब बैठे हो और अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, सारा दिन पढ़ते रहते हो बुक्स के आगे, सेक्रीफाइसेस ही हैं, दोस्त आपके घूम रहे हैं मॉल्स में और मूवीज देख रहे हैं आप नहीं देख रहे। आगे वो कह रहे हैं जो ये सेक्रीफाइस करते हैं उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, बहुत ही सिस्टमेटिकली डेवलप कर रहे हैं थ्योरी, इसलिए बहुत फेमस थ्योरी, आज भी आप बैठ के इनको पढ़ रहे हो, 50-60 साल हो गए इनको थ्योरी दिए हुए। आगे वो कह रहे हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज मैकेनिज्म ऑफ रोल एलोकेशन, सो रोल्स आर परफॉर्म प्रॉपरली, वो कह रहे हैं ताकि कहते हैं अगर स्ट्रेटा अगर हमने समाज को स्ट्रेटा में डिवाइड नहीं किया तो हम प्रॉपरली रोल एलोकेशन नहीं कर पाएंगे एंड समाज प्रॉपरली काम नहीं करेगा, ठीक है जी। ओके, एंड देन मोर क्वालिफाइड डू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, दैट्स इट, एज सिंपल एज दिस। क्विकली रिमाइंड करें क्या हुआ, सोसाइटी कहते कुछ नहीं है बस पोजिशन से बनी है, सिर्फ सोसाइटी इज नथिंग बट पोजिशन, एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजिशन को ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए, इसके लिए आपको टैलेंटेड लोग चाहिए होते हैं इंपॉर्टेंट पोजिशन के लिए, टैलेंट जो कि स्कार्स है समाज में, लॉजिकली चल रहा है, बस आपने कुछ कीवर्ड्स दिमाग में रखने हैं, टैलेंट स्कार्स स्किल एंड ट्रेनिंग सैक्रीफाइस, ठीक है, सैक्रीफाइस की कंपनसेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज कह रहे हैं कि अगर समाज में स्टेटा नहीं होगा तो ढंग से रोल जो एलोकेट किए गए थे प्ले नहीं कर पाएंगे, अगर टैलेंटेड लोग नहीं आए समाज ढंग से हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है जी। एंड देन लास्ट इज इंश्योर पीपल दैट पोजिशंस आर गिवन एट एज पर देर टैलेंट, ठीक है जी। कहते जितना आपका टैलेंट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि टैलेंट तो स्कार्स है, जितनी मेहनत करोगे उतना प्रूव करोगे लोगों को कि मैंने टैलेंट दिखाया अपना, तो इसीलिए आपकी पोजिशन इंश्योर की जाती है, आपको ऊपर वाला रैंक मिलेगा। ओके,
इसीलिए आप अगर दिन रात सुबह शाम भी लेक्चर्स लगा रहे हो, मेहनत ही कर रहे हो यार, तो रिवॉर्ड मिलना भी चाहिए, अकॉर्डिंगली सोसाइटी रिवॉर्ड करेगी आपको। सोसाइटी कौन है? हमारी यूपीएससी। बहुत बढ़िया जी। अब कहते हैं एक एमएम ट्यूमिन, मेलविन ट्यूमिन करके बंदा आया, डेविस एंड मूर, दो बंदे थे, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर, उन्होंने ऐसे अपना पब्लिश किया, उसके उसके रिस्पांस में ट्यूमेन ने चिट्ठी लिखी। ट्यूमेन की चिट्ठी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हम इसके ट्यूमेन के कुछ क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे, एंड उसके रिप्लाई में किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर रिप्लाई भी करते हैं उसका, वो भी पढ़ेंगे। आप अपने आंसर में बात भी लिखोगे वाली कि भाई डेविस की थ्योरी को ट्यूमेन ने क्रिटिसाइज किया एंड ट्यूमेन का रिप्लाई भी दिया डेविस एंड मूर ने, ठीक है जी। बाद में आप हम लिखेंगे कि ओवरऑल लेकिन अभी भी थ्योरी में कुछ कमियाँ हैं। ओके, पहले पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म के। वो कह रहे हैं कि कहते ट्यूमेन कह रहा है कि कैसे पता लगेगा कि कोई पोजिशन आपने बोल दिया अभी कोई पोजीशन इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं। कहते ये कौन बताएगा, कोई भगवान ने चिट्ठी थोड़ी लिख के दी हमें कि ये फंक्शनली इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं। कहते बड़ी ही वैल्यू लोडेड बात कर रहे हो आप, जो आपको लगती है इंपॉर्टेंट या फिर जो आपने समाज में देखा इंपॉर्टेंट आपने उसको इंपॉर्टेंट बोल दिया। कहते ऑब्वियस स्टेट कर रहे हो आप, ठीक है जी। तो इसका रिप्लाई करते हैं वो अपने डेविस एंड मूर। डेविस मूर कह रहे हैं कि हाँ ये बात डिफिकल्ट है कि बताना कि कौन सी चीज़ फंक्शनली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशन कैन बी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ यूनिकनेस और डिपेंडेंसी ऑफ अदर पोजिशंस। वो कह रहे हैं कि कोई पोजिशन कितनी यूनिक है या उस पोजिशन पर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, वो वाली चीज़ डिसाइड करेगी चीज़ कि आपकी पोजिशन कितनी ज़्यादा समाज में महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हमने। तो फॉर एग्जाम्पल एक नर्स को कंपेयर करो और लेट्स से एक डॉक्टर को कंपेयर करते हैं कि क्या डॉक्टर नर्स के काम कर सकता है? हाँ जी कर सकता है, लेकिन क्या नर्स डॉक्टर के काम कर सकती है? नहीं, ठीक है जी। तो डॉक्टर यूनिकनेस में आगे निकल गया, जो डॉक्टर पर नर्स डिपेंडेंट है, नर्स पे एज सच देखें डॉक्टर डिपेंडेंट नहीं है। आप कहोगे हाँ डिपेंडेंट, लेकिन यूनिकनेस के पैरामीटर में देखो तो डॉक्टर इज डॉक्टर शैल बी रिवॉर्डेड हायर देन द नर्स, ठीक है जी। तो यही है डॉक्टर नर्स का एग्जांपल लिखो। मैकेनिक एंड इंजीनियर का एग्जांपल, अगर इंजीनियर कुछ बनाएगा ही नहीं तो मैकेनिक कैसे काम करेगा? तो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। ट्यूमेन का था कि कैसे हम पता करेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट है, उसने रिप्लाई किया ये यूनिकनेस और डिपेंडेंस भी कर सकते हैं हम। ओके, अगला सब ट्यूमेन का क्रिटिसिज्म। ट्यूमेन सेज कि टैलेंट और एबिलिटी नापने का क्या मैकेनिज्म है, कैसे पता लगेगा कि भाई किसको, अगर अलग अलग चीज़ों के अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, किसी में बैठ के बहुत पढ़ना हो सकता है, किसी में रेस भागनी पड़ सकती है, तो कैसे क्या मैकेनिज्म है? कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। एंड देन ही राइट्स अनदर क्रिटिसिज्म, सोसाइटी डज नॉट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो ठीक है जी, सबको बराबर का हक तो मिलता ही नहीं है अपना टैलेंट दिखाने का मौका, तो कहते कैसे हम बताएं। एंड देन लास्ट में वो लिखता है ट्रेनीज डू नॉट मेक एनी सेक्रीफाइस। कहते यूपीएससी के बच्चे बैठे हैं, ट्यूमेन ने लगता है यूपीएससी वाले बच्चे देख लिए, वो कह रहे क्या कर रहे हैं बैठ के, कहते कुछ सेक्रीफाइस तो कर नहीं रहे, सिर्फ अपनी इनकम उन्होंने सस्पेंड की हुई है, ऐसा नहीं है बस अभी जाके जॉब नहीं कर रहे, आपने इसको सेक्रीफाइस बोल दिया। तो कह रहे हैं और कहते ये जो इनकम भी क्या सेक्रीफाइस है, कहते पूरे के पूरे सब उनको पैसे वूसे सब मिल रहे हैं, पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स प्रोवाइड फॉर दीज पीपल हु हैव सस्पेंडेड देयर अर्निंग्स। तो कहते क्या सेक्रीफाइस किया आप, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया, ट्यूमेन ने इसको सवाल पूछा। तो अब इसका रिप्लाई करते हैं राधर, पहले एक और सवाल भी हम लिखा हुआ, मोर एवर साइकिक ग्रेटिफिकेशन इज गॉट फ्रॉम पोजिशन दे विल ऑक्यूपाई इन फ्यूचर, ठीक है जी। कहते बस दिमागी खुशी मिलेगी उनको कि हमने कुछ कर दिखाया। बहुत सारे आप भी जब आईएएस का रैंक आ रहेगा आपको दिमागी खुशी मिलेगी, दैट्स इट। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगेगा हाँ कि आज मुझे मेरे को सब मान गए, आपको बस सिर्फ और सिर्फ दिमाग में लगेगा दैट्स इट, साइकिक खुशी, जो भी ट्यूमेन बता रहा है हमें, ठीक है जी। ओके, सस्पेंडेड अर्निंग वाला पॉइंट बहुत ही अच्छा है इसका कि कोई सेक्रीफाइस नहीं किए, पेरेंट्स ने उसके बारे में भी प्रोवाइड कर दिया, अपॉर्चुनिटी बराबर नहीं मिली। एंड टैलेंट को कैसे मेजर किया जाए कि एक टैलेंट किसको बोलते हो आप, पढ़ाई करने को या भागने को, ठीक है जी। इसके रिप्लाई में क्या लिखेंगे अब, दे राइट डिविजन मूड, दे राइट दैट कि कहते जो भी आप बात बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन कहते अगर हमने रिवॉर्ड्स का सिस्टम ही हटा दिया तो लोग मोटिवेट कैसे होंगे, ठीक है। वो ट्रेनिंग की हार्डशिप के दौरान क्यों गुजरेंगे कि कहते आप इमेजिन करो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग है, लेट्स से टू बिकम अ रिक्शा पुलर, पीपल विल नॉट वॉन्ट टू अंडरगो दैट बिकॉज उनको लगता ही नहीं है कि मैं क्यों करूँ ऐसा, इतनी एनर्जी टाइम मनी क्यों लगाऊँ। लेकिन आप कहोगे इंटेंस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड आईएएस बनने के लिए, आप करने को तैयार हो, ठीक है जी, क्योंकि जॉब जो है वो उस पर डिपेंडेंसी हायर है, डीसी पर पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट रिलाई करता है, डिपेंडेंट है, जबकि आई वुड से रिक्शा पुलर पे पूरा डिस्ट्रिक्ट रिलाई नहीं करता। इसलिए इंपॉर्टेंट, फंक्शनली इंपॉर्टेंट या इंटरडिपेंडेंट वाली पोजीशन है आपकी कौन सी, डीसी बनना, इसलिए आपको हार्डर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड भी है, ठीक है जी। कहते अगर हमने अगर वो हार्डर ट्रेनिंग के लिए लोगों को मोटिवेट करना है, टाइम लगाएं, एनर्जी लगाएं, तो हमें उनको रिवॉर्ड देने पड़ेंगे, ये डेविस एंड मूर बोलता है, ठीक है जी। आगे तो कहते हैं लेकिन अनस्किल्ड टास्क के लिए ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। एंड देन
एमेंट्यूमेन एक और है, वहाँ पे बात बोलते हैं, ये प्लीज़ आप साथ साथ नोट करते रहो, ठीक है। ये ना लेक्चर पढ़ के बहुत सुन के बहुत मज़ा आता है कई बार, लेकिन भाई लेकिन एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, नोट करते रहो, क्योंकि सोशोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जहाँ पे जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा, ठीक है जी। हम ही सब गुड़ डाल रहे हैं, नई नई तरह के पॉइंट निकाल के ला रहे हैं ताकि हमारे आंसर में डेप्थ आए। ओके, वो बोलता है कि ऑल्टरनेटिव मोटिवेशनल स्कीम रादर देन डिफरेंशियल रिवॉर्ड्स। ट्यूमेन बोलता है कि भाई ऐसा मत करो कि सिर्फ और सिर्फ आपने उनको स्ट्रेटा में ऊपर बैठा दिया, कुछ और मोटिवेशन की स्कीम हम ढूंढ सकते हैं, नई नई तरह के रिवॉर्ड्स निकाल सकते हैं। अब इस पर मूर रिप्लाई करेंगे, डेविसन मूर, वो कह रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन इफ पीपल आर लेफ्ट टू डू व्हाट दे वांट। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बोरो करते हैं मॉडर्न सोसाइटी की कॉन्सेप्शन, क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर हो चुकी है। अगर लेट से मैंने बैठ के पढ़ना है तो मैं बहुत लोगों पर डिपेंडेंट हूँ, कोई मेरे लिए लेट से दुनिया में कहीं चाय बना रहा है, दुनिया में है ना जैसे चाय उगा रहा है, बन रही है चाय मेरे लिए, कोई मेरे लिए वीट उगा रहा है, मैं रोटी मिलेगी शाम को, एंड बहुत सारी चीज़ें, कोई मेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, अ लॉट ऑफ थिंग्स पीपल आर डूइंग जो मैं यहाँ घर बैठ के कंज्यूम करता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि मेरे को बैठ के पढ़ना है। और आप इमेजिन करो एक प्रिमिटिव सोसाइटी में हर इंसान अपना हर काम खुद कर रहा है, ठीक है जी, अपने लिए अनाज खुद उगा रहा है, वो अपने कपड़े खुद बनाता है, वो सब कुछ खुद करता है। मॉडर्न सोसाइटीज डिवीजन ऑफ लेबर पे बेस्ड है, वो कह रहे हैं अगर हर इंसान अपने आप ही वो करने लग जाए जो उसको करना है, तो या फिर बाकी लोग औरों के लिए काम करना बंद कर दें तो क्या होगा, मॉडर्न सोसाइटी विल नॉट फंक्शन। इसीलिए डेविसन मूर बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिव मोटिवेशनल स्कीम डिफरेंशियल रिवॉर्ड ये हमारे काम नहीं करेंगे, हमको उनको स्ट्रेटा में ऊपर बिठाना ही पड़ेगा। लेकिन ट्यूमिन का आखिरी रिप्लाई आएगा, स्ट्रेटिफिकेशन करें, आपकी सब बातें पसंद है हमें, लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन से दुश्मनी आती है, हॉस्टिलिटी आती है, जो स्ट्रेटा में ऊपर है और जो स्ट्रेटा में नीचे है, नीचे वाले तो हमेशा ऊपर वाले से चढ़ेगा, ठीक है जी, हॉस्टिलिटी आएगी, डिस्ट्रस्ट आएगा लोगों में, ठीक है जी। एंड कहते हैं इसीलिए ये फंक्शनल नहीं है चीज़, देर सवेर तो उसको जाना ही पड़ेगा स्टेटा को। अब इसका आखिरी रिप्लाई करेंगे डेविस मूर कह रहे हैं कि हर जगह प्रेजेंट है स्ट्रेटिफिकेशन, कहते हैं जहाँ भी नज़र उठा के देखो स्टेटा प्रेजेंट है, यूनिवर्सैलिटी है इस बात में, यूनिवर्सैलिटी है, इसी कारण ये फंक्शनल है चीज़ और इनएविटेबल है, दिस इज़ इनएविटेबल, आप इससे बच ही नहीं सकते, आप इसको बस क्या, अब देखो डेविसन मूर फंक्शनलिस्ट है तो इसलिए बस ये एक्सप्लेन करने लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं आप इनएविटेबल है, फंक्शनल है, तो आप इसे बच नहीं सकते, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड मे बी क्रिएट द राइट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ओके, ओवरऑल लेकिन अभी भी थ्योरी में कुछ कमियां हैं, क्रिटिसिज्म हम अभी भी लिख सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेबल ओनली टू अचीवमेंट ओरिएंटेड वेस्टर्न सोसाइटीज़, इंडिया में कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में ये बात ही नहीं होगी क्या अचीव क्या नहीं, दलित पैदा हुए हैं तो उनको वही कराया जाएगा सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी ऐसी है, ठीक है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी, एस्क्रिप्टिव सोसाइटी इसको कहा गया, ठीक है जी, एंड नॉट एस्क्रिप्शन बेस्ड कास्ट ओरिएंटेड सोसाइटीज लाइक इंडिया, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, देन Does not take care of elite self recruitment, ये एक important word है elite self recruitment, जहाँ पर देखा गया कि elite अपने तरह के लोगों को ही अपने जैसे positions पर recruit करना चाहते हैं, इल्ज़ाम लगता है बहुत often UPSC पर भी कि वो जो bureaucrats के जितने भी बच्चे हैं उनको ज़्यादा number मिलते हैं interview में, क्योंकि वो ऐसे वो बोलते हैं, एक हमारे इसमें हर लंबस में लिखा हुआ है, आर्मी में देखा गया, आर्मी ने अपने जितने भी और लोग थे जब रिक्रूटमेंट चली जिनके माँ बाप आर्मी से जुड़े हुए थे उनको रख लिया, ठीक है जी, वो कह रहे हैं एलीट अपने जैसे लोगों को ही रिक्रूट करते रहते हैं, नीचे वालों को कभी रिक्रूट ही नहीं करेंगे तो सोसाइटी में मोबिलिटी खत्म हो जाती है, नीचे वाला कभी ऊपर आ ही नहीं पाएगा। एंड देन उसके बाद स्ट्रेटिफिकेशन लीड्स टू पीपल हैविंग पावर डिप्राइविंग एक्सप्लॉइटिंग अदर्स, जो स्टेटा में ऊपर है वो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है, एंड जैसे हैव्स इन कैपिटलिज्म वो हैव नॉट को एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड देन पीपल विद मोर पावर टेक मैक्सिमम रिवॉर्ड्स, ये तो हो ही रहा है, इसको करप्शन कहते हैं हम, जिसके पास ज़्यादा पावर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, एंड देन विदाउट स्टेट इंटरवेंशन देर इज़ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी साइकिल, स्ट्रक्चर हमेशा ही परपेचुएट होता जाएगा, हमने पहले ही पढ़ा था कि जब रैंकिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, रैंकिंग से कन्वर्ट हो जाते हैं इवेल्युएशन होने के बाद आपके फाइनल स्ट्रेटा में कन्वर्ट होने के बाद वो परपेचुएट हो जाते हैं, सालों साल चलते हैं, ज़िंदगी भर चलते हैं और सदियों तक चलते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं अगर आपको इनको जो नीचे वाले जो लोग फंस गए परपेचुएट हो गए नीचे वाले में उनको अगर बाहर निकालना है सरकारी मदद रिक्वायर्ड रहेगी, स्टेट इंटरवेंशन, ठीक है जी। तो अपने पास ये थ्योरी थी डेविसन मूर की, इसके बारे में आप इसके नोट्स बनाओ, इसको रटो, पेपर में बार बार आती है, लेट्स सी इस बार दोबारा आए तो, ठीक है, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।